नमस्ते दोस्तों, मायसेल्फ अक्षत गर्ग, मैनेजर रिसर्च चॉइस, एंड थैंक यू फॉर शोइंग सच अ ट्रेमेंडस इंटरेस्ट इन आवर म्यूचुअल फंड सीरीज। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। एनएवी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर बोलूँ सो इट इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। जनरली ये कॉस्ट 10 रुपये से स्टार्ट होती है और इवेंचुअली जैसे जैसे फंड ग्रो होता है ये एनईवी भी ग्रो होती रहती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एनईवी कैलकुलेट कैसे करते हैं। एनईवी का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी फंड के टोटल एसेट 550 करोड़ है, फंड की टोटल लाइबिलिटी 50 करोड़ है और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 10 करोड़ है, तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फंड का एनईवी 50 रुपीज़ आएगा। और मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग 50 रुपीज़ के एनईवी के अकॉर्डिंग आपको टोटल 200 यूनिट्स मिलेगी उस म्यूचुअल फंड की। बहुत सारे लोग समझते हैं एनईवी ऑफ ए म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक प्राइसेस आर सेम और सिमिलर, पर ऐसा नहीं है। और इस वजह से वो ऐसे फंड्स को प्रेफर करते हैं जिसका एनईवी बहुत कम हो, बिकॉज इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। अगर हम किसी स्टॉक प्राइस की बात करें तो कैसे कैलकुलेट होती है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई से, या फिर किसी एनालिस्ट का क्या कन्विक्शन है उस स्टॉक पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर। और अगर हम एनईवी की बात करें तो एनईवी कैलकुलेट होती है फंड के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज और अपॉन द नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स। तो एक सिस्टमेटिक कैलकुलेशन से एनईवी कैलकुलेट होती है जिसके अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज है उनके क्लोजिंग प्राइस को लिया जाता है, बाकी स्टॉक प्राइस वो टोटली डिफरेंट होती है। 24th February 2022 रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और इस वजह से मार्केट्स करेक्ट हुए, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स के एनईवी भी करेक्ट हुए और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसको अपॉर्चुनिटी देखते हुए मार्केट में पैसा डाला। बट ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको 24th February का करेक्टेड एनईवी नहीं मिला। ऐसा क्यों? 1 फरवरी 2021 से सेबी के न्यू कट ऑफ टाइमिंग नॉर्म्स एप्लीकेबल हुए और इस बार इंपॉर्टेंस रियलाइजेशन ऑफ फंड्स को दी गई। एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये डाले 3 बजे कट ऑफ टाइम से पहले और एजेंसी को ये पैसा 3 बजे के पहले आ गया, तो आपको उस दिन की सेम डे की क्लोजिंग एनईवी मिलेगी। पर मान लीजिए वही पैसा एजेंसी को 3 बजे बाद रियलाइज हुआ, तो उस केस में आपको नेक्स्ट डे की क्लोजिंग एनईवी मिलेगी। इस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको एनईवी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.